गाइज मोशन इन ए प्लेन, मैं क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा था, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, इसको भी निपटा देते हैं। ये प्रूफ का एक क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपने एग्जांपल में किया है, तो यहाँ पर लगाओ, जल्दी से लिखो सॉल्यूशन और इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखोगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। देखो करना किस तरीके से है, आप लोगों के लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और ये है क्या आपके पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से, ठीक है भाई। अब देखो करते हैं, जब इस वेक्टर सम का इस वेक्टर डिफरेंस के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो रूल ये है कि पहला वाला पहले वाले के साथ, फिर पहला वाला दूसरे वाले के साथ, मतलब ए क्रॉस ए माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये ए का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया पहले वाले वेक्टर के साथ और दूसरे वाले वेक्टर के साथ, प्लस इसी तरीके से दूसरे वाले वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों के साथ, तो ये आएगा बी क्रॉस ए, माइनस लगा हुआ है तो ये आ जाएगा बी क्रॉस बी, ठीक है। बस यही इसका आंसर आने वाला है। आपको पता है एक चीज़ का, वो क्या, सिंस सेम का अगर सेम के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वैल्यू आती है ज़ीरो, तो यहाँ पर सेम और सेम दो हैं, ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी, इनका सेम का सेम के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो ज़ीरो आता है, हमेशा याद रखना। तो आपके पास ए क्रॉस ए ज़ीरो हो जाएगा, इसी तरीके से बी क्रॉस बी ज़ीरो आ जाएगा। अगर कोई बच्चा जानना चाहे कि इनका क्रॉस ज़ीरो ही क्यों आता, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ए क्रॉस ए को ओपन करोगे तो आप लिखोगे मोड ए, मोड ए कोस थीटा, सॉरी साइन थीटा, तो मुझे बताओ साइन कितना लोगे ए वेक्टर का, ए वेक्टर के साथ जो एंगल बन रहा होगा वो कितना बन रहा होगा, तो आप कहोगे ज़ीरो डिग्री, और साइन ज़ीरो की वैल्यू होती है ज़ीरो, जिसकी वजह से पूरा का पूरा ए क्रॉस ए क्या आ जाएगा, ये ज़ीरो आ जाएगा। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि सेम के सेम के साथ अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, ज़ीरो निकल कर आती है। यहाँ पर देखो अब आपके पास क्या मिलेगा, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास बी क्रॉस ए, तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ बी क्रॉस ए, ये माइनस का ए क्रॉस बी है, तो ये वाली बात भी आपको जाननी है, माइनस का ए क्रॉस बी जो होता है, अगर मैं इसकी डायरेक्शन, इसके क्रॉस के रिजल्टेंट की डायरेक्शन को अगर चेंज कर दूंगा तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, बी क्रॉस ए, ठीक है। तो माइनस का ए क्रॉस बी जो होता है वो बी क्रॉस ए के बराबर होता है, तो माइनस के ए क्रॉस बी की जगह लिख सकता हूँ मैं बी क्रॉस ए। अब आपके पास दो हैं बी क्रॉस ए, तो आप कहोगे टू बी क्रॉस ए, तो यही आपसे पूछा था और यही राइट हैंड साइड है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ईजी है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपसे गलत ना हो जाए, वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। वीडियो का थम्स अप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं।